भाई ये सिविक का एक और स्पॉइलर है, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा है क्योंकि ये कलर होगा। तो भाई फाइनली रबिंग पॉलिश हो गई। भाई ये एक चीज भी समझ में आ रही है, गाड़ी के आगे वाला जो मिरर होता है उसमें लगाते हैं। फाइनली हमारे नाम वाली प्लेट बन गई है। यार तुम्हारा गाना भी तो आया था, मैंने देखा है। यार कहानी सुनो भाई, ये कबूतर देखो पानी में गिर गया, मतलब भीग गया है ना, तो बारिश में गिर गए। तो भाई ये हमने गाड़ी ले ली है मुहर्रम में, क्योंकि इमरजेंसी भी हो गई थी हमारे यहाँ, तो हमने यार ये गाड़ी ली है। ये होंडा सिविक 2004 मॉडल, और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छी गाड़ी है। पर यार गाइस इसमें मसला भी हो गया यार, एक ये वाला टायर है या वो वाला टायर है, जिनमें यार मसला है कि ये ना हिलते हैं। मतलब 60 की स्पीड पर गाड़ी होगी ना तो इनका जो हैंडल है वो हिलेगा हिलेगा। और मैं आपको ना इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। चल भाई ये देखो भाई साहब, यार ये जो डैशबोर्ड होता है ना, इस पर मतलब जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे ऐसे नाखून नाखून ऐसे ऐसे करते जाते हैं, इसलिए ख़राब है। इस पर एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है। पावर स्टेयरिंग तो होता ही है यार इस गाड़ी में। सीटें मतलब इसकी यार बिल्कुल सही है यार, पर मुझे ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये यार बेकार गाड़ी की लुक दे रहा है। तो यार गाइस ये देखो, हैंड ब्रेक का जो ढकना है हमें ये भी लेना है। ये देखो ये कैसा लगा हुआ यार, बेकार सा लग रहा है। तो यार गाइस चलो हम आपको अब पीछे का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो ये देखो भाई साहब, पीछे से कुछ ऐसी है, और ये मतलब पूरी साफ गाड़ी है, अंदर से बाहर से भी पूरी साफ है, पर इसमें कुछ काम है। ये जो मैंने आपको बताया ना टायर हिल रहे हैं, तो अभी हम इसका काम करवाने जा रहे हैं। और हमने ये मुहर्रम में गाड़ी ली है क्योंकि इमरजेंसी भी हो गई थी, हमारे पास गाड़ी बिल्कुल भी नहीं थी तो हमने ले ली। और आप बताना कि हमने सही किया या गलत किया, गाड़ी आप लोगों ने देख ली, आप बताओ कमेंट में जाके कि अच्छी है या नहीं है, और हम इसका काम करवाने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो यार भाई मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, और देखते हैं यार फर्स्ट सेल्फी स्टार्ट होती कि नहीं होती। तो चलो भाई साहब देख लें, गियर फ्री है। ओके भाई एक्सीलेटर भी नहीं दिया मैंने, ये फर्स्ट सेल्फ पे स्टार्ट हो गई है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है यार, मज़ा ही आ गया इसको चला के। वैसे रिबॉन से ना इसका डैशबोर्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटा है, मतलब रिबॉन का होता था तो आगे तक जाता था। एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है। ओके तो भाई साहब ये देख लो ऊपर का रूफ, छत वत आप देख लो यार, बिल्कुल अच्छी गाड़ी है। आपको यार पसंद आई नहीं आई आप जल्दी से जाके कमेंट में मुझे बताओ। तो चलो हम चलते हैं गाड़ी को बनवाने। यार मुझे लगा टायर में थोड़ा मसला चल रहा है लेफ्ट एंड में, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी ना, तो हम टायर वाले के पास आ गए, टायर चेक करवा रहे हैं भाई से। ये भाई खोल रहा है भाई टायर, ये चेक लगाया बस ने। मारो ये देखो भाई इसने गियर पे, यार ये क्या कर रहे हैं भाई, ये देखो भाई मशीन में लगा लिया टायर को और चेक कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई टायर तो सही है, ये वाला टायर बिल्कुल सही है। तो मसला क्या है यार, फिर मसला क्या है भाई, थोड़ा बहुत इसमें चाल में ना हल्का सा फ़र्क आ रहा है, मुझे इस टायर में शक लग रहा था, लेकिन इसने बोला ये टायर सही है और पीछे वाले टायर में मसला है, तो भाई पीछे वाला टायर चेंज करवाते हैं। अरे भाई क्या चाल हो गई गाड़ी की यार, पीछे वाले टायर में थोड़ा बबल था, अब देखो चाल सीधी हो गई गाड़ी की भाई। अभी हम जा रहे हैं सदर, सदर जा रहे हैं इस गाड़ी का सामान वामान पार्ट्स वार्ट्स लेने, तो वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको। अरे भाई ये सदर में तो आ गए, लेकिन यार मुहर्रम की वजह से ये सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। ये गुल प्लाजा ये देखो भाई सारा बंद है, ये देखो गाड़ियां भी नहीं चल रही, हमें तो पता नहीं था यार ये पूरा बंद होगा, लेकिन चलो आगे चलते हैं। एक दो और काम है, नंबर प्लेट है, ये एक शॉप खुली हुई है भाई, देखते हैं इसके पास पार्ट्स है या नहीं है। ये बाहर से भी ये बंद है, लेकिन यहाँ एक ही शॉप है जो खुली हुई है। ये देखो भाई नंबर प्लेट का काम हो गया, ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या, ये सामने से बना, बाकी तो सब कुछ बंद था, तो ये जो बनी है ये आपको दिखा रहा हूँ कि बनी क्या है भाई। ये इस सामने वाली शॉप से बना है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको खोलकर। ये टूट गई थी ब्लैक कलर की प्लेट, तो हमने प्लेट चेंज कर ली और अब हो गया सही से चांडी। ये देखो भाई ये पीछे वाली ब्लैक जो प्लेट थी ना ये वाली टूट गई, अब ये नहीं लगाई, ये थोड़ी मोटी, मतलब थोड़ी पहले पतली थी अब मोटी है ये। तो भाई ये नंबर प्लेटें भी बनवा ली वहाँ से, गुलिस्तान जोर से ये बनती है 850 और यहाँ पे बनती है 600। ये शॉप भी खुली हुई थी तो मैंने बोला चलो लगे आते ना ये नंबर प्लेटें बनवा लेते हैं गाड़ी की। ये देखो भाई ये सामने इन्होंने नंबर प्लेट का नंबर लिखा, ये मशीन पर लगाया और ये बन गई भाई, फाइनल हो गई हमारी नंबर प्लेटें दोनों 600 में, मतलब 250 ये भी बच गए यार, सही है भाई नंबर अच्छा है 949। तो भाई ये मैं आपको फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं खुला, ये सारा प्लाजा बंद है गाड़ियों का। अरे भाई ये देखो ये मैंने जंगल वाला दरख्त ना इसको यहाँ पे देखा है, ये हमारे इंटीरियर में ना इसको बोलते हैं अक, मतलब इसको तोड़ने से दूध निकलता है। ये सारा शहर है देखो, कराची का शहर है, सेंटर है,
और ये दरख्त यार, ये मतलब वहाँ होता है कब्रिस्तानों में या फिर जंगलात में, ये देखो ये यहाँ पे अभी तक जिंदा कैसे, मैं इसको तोड़ूंगा देखना दूध निकलेगा इसमें से। ये देखो भाई, ये देखो दूध निकल रहा है यार, ये इसको बोलते हैं अक, ये जड़ी बूटी की तरह काम करता है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं ये कायद आजम रोड, ये कायद आजम की मज़ार। भाई सदर से आने के बाद ना दो दिन गाड़ी बंद रही, 9-10 मुहर्रम था तो इसका कोई काम नहीं करवाया, ये हैंडल भी वहाँ से नहीं मिला, तो हो सकता है आज चले जाएं, लेकिन आज इसका थोड़ा बहुत काम है और हम जा रहे हैं पेंटर के पास, देखते हैं वो खुला है कि नहीं। तो भाई पेंटर के पास लेकर आए, थोड़ा सा छोटा सा काम था वो हो रहा है, बाकी तो ओके, कहीं से कुछ भी नहीं है, जेन्युइन है। कब तक हो जाएगा ये काम? घंटा लग जाएगा और एक डेढ़ घंटा और लग जाएगा भाई, इसको हम ले जाएंगे फिर। भाई ये कबूतर देखो पानी में गिर गया, मतलब भीग गया है ना, तो बारिश में गिर गए, अब इसको हम फिलहाल यहाँ रख लेते हैं, जब सूख जाएगा तो उड़ जाएगा। भाई कल हमें आना था सदर गाड़ी का सामान लेने, लेकिन कल हो गई बारिश तो आ नहीं सके, अभी हम आ गए हैं। ये देखें भाई गाड़ी लेकर आए हैं, तो इसका पार्ट्स जो है यहाँ पर, मतलब ये पीछे जो वाइस स्पॉयलर लगेगा ऐसा, ये ले रहे हैं एक, और इसके ऊपर भी स्पॉयलर लगेगा मिरर पे, वो भी ले रहे हैं, पक्का इसका जो सामान है वो भी ले रहे हैं। तो आज बिल्कुल पूरा सदर खुला हुआ है और मौसम भी अच्छा है, सदर में आ गए। बाकी सारी चीज़ें मैं जो ले रहा हूँ वो भी आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्या क्या ले रहे हैं सामने से। भाई स्पेयर पार्ट्स वाले ने मुझे एक और ऑप्शन दिया है, कहता है इमरान भाई अपनी गाड़ी पे ये स्पॉयलर भी लगा के देखो, आजकल बहुत चल रहा है, अगर इसको सिल्वर कलर कराओगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने चाहा कि आपको भी दिखा दूं, ये देखो भाई ये स्पॉयलर भी है सिविक का, तो इसको मैं अगर कलर करवाऊंगा तो ये भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाह रहा हूँ कि इसको ब्लैक का सेटअप बनाए, ऊपर नीचे ब्लैक का स्पॉयलर लगाए तो अच्छा लगेगा। पर ये भी अच्छा है, स्पोर्ट लुक को ना गाड़ी को देना तो ये सही है। भाई आप कमेंट करके मुझे बता दो ये कैसा लग रहा है स्पॉइलर। चलो इस चीज को हमने देख लिया, नेक्स्ट टाइम यही लेंगे, फिलहाल वही ले रहे हैं, सही है। ओके तो भाई ये लगवा रहे हैं, अब इसी के ऊपर हम ये देखें टेप लगवा रहे हैं, और फिलहाल ये ले रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम वो ले लेंगे। और यही शॉप है रिबोन का, सारा मटेरियल हम यहीं से लेते हैं, स्पॉइलर स्पॉइलर यहीं से लेते हैं। एक और बंदा होता है वो नजर नहीं आ रहा भाई, वो क्यों नजर नहीं आ रहा भाई? भाई उसको निकाल लिया। अरे भाई वो तो काला पानी हो गया यहाँ से, पहले वो यहाँ हुआ करता था, अब इन बंदों ने उसको काला पानी कर दिया है यहाँ से। भाई ये एक चीज़ भी समझ में आ रही है, गाड़ी के आगे वाला जो मिरर होता है उसमें लगाते हैं, और ये नए स्टाइल का लग रहा है, आईफोन का जैसे होता है, इसमें अल कुरान अल करीम लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और इसकी कीमत जो बता रहे हैं, कीमत तो नहीं है, समझ लो हदिया है 300 रुपये, तो 300 में बहुत सस्ता है, सही है माशाल्लाह। भी पड़े हुए हैं और भी पड़े हुए हैं, ये देखें सही है, और रेट भी सही है भाई इसका। भाई ये नज़ारा अभी देखो, एक बड़ी सी शॉप है, और बिल्ली देखो अपने बच्चे के साथ कैसे सोई हुई है, क्योंकि गर्मी है ना यहाँ पे। और ये देखो बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, उसका ख्याल कितना कर रहे हैं, मतलब उसको उठा नहीं रहे कि भाई बीच में वो सो रही आराम कर रही है, भाई क्या बात है। तो भाई अपनी गाड़ी का ये भी टूटा हुआ था, पीछे जो ड्राइवर साइड के पीछे दरवाज़ा होता है ना उसका हैंडल, ये टूटा हुआ था, ये ताइवान का मिला है 1500 का, और ये मिला है यहाँ से निपोन मोटर्स। भाई ये सामान यहाँ से मैंने ले लिया है, और ये दोस्त हैं यहाँ के ऑनर, सामान लो यही है। एक यहाँ पर बलोच भी होता है, वो पता नहीं कहाँ है भाई, कहाँ है बलोच, किधर है, किधर है, किधर है? अरे बलोच शर्मा क्यों रही हो, लड़की हो क्या यार, इधर आओ। ओ भाई इधर आ, इधर इधर तो आ, अरे इधर आ, ऊपर आ यार, पहले नहीं आया क्या तू, शर्मा क्यों रहा है? शर्मा रहा नहीं यार, इधर आ, मेरा सब्सक्राइबर है ना तू मेरा, पक्का कमेंट कर किसका आएगा सबसे पहले, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है आतिम। यार तुम्हारा एक गाना भी तो आया था, मैंने देखा है, कहानी सुनो, कहानी सुनो भाई, तुम्हारा गाना आया मैंने देखा है, कहानी सुनो। नहीं नारी का है ना बलोच? नहीं नहीं, मैं पुराना गोली मार का, गोली मार का है ये भाई, उससे भी थोड़ा तगड़ा है, हाथ निकालो इससे। भाई एक कहानी तो इस बंदे की थी, एक कहानी इन भाइयों की भी, ये भाई ये कौन सी कहानी बलोच? ये शशि पुन्नू वाली कहानी, शशि पुन्नू वाली कहानी यहाँ से आ गई। ये इसका दीवान है। कौन किसका दीवाना है? ये इसका दीवाना है, ये इसका दीवाना है, इसलिए दीवाना है। 1,00,000 तक तैयार है देने को, अभी अभी मेरे हाथ में जमा। किस चीज का 1,00,000 रुपए देने के लिए तैयार है? आई डोंट नो। अरे ये क्या बात बोलती भाई, ये चैनल बंद करवाएंगे भाई, ये मेरा चैनल बंद करवाएंगे, 1,00,000 रुपए दे रहे पता नहीं किस चीज का भाई। ठीक है भाई, कल इसका कमेंट आएगा, फर्स्ट पहला कमेंट, ठीक है, ओके। भाई ये स्पॉइलर भी हमने ले लिया है, और स्पॉइलर ले लिया है, डिक्की पे लगता है ये, मैं आपको वहाँ गाड़ी पे रख के दिखाता हूँ फिर। तो भाई वो सामान तो ले लिया हमने, और गाड़ी को वो सामान जो है वो लगेगा बाद में,
क्योंकि अभी हो रही है इसकी रबिंग पॉलिश, उस्ताद कर रहा है इसकी रबिंग पॉलिश। ये साइड तो हो चुकी है, वो साइड भी हो चुकी है, अभी छत रहती है। लाइटों को भी हमने भाई बफ करवा दिया, लाइटें देखे चमक रही हैं, लाइटें भी चमक रही हैं। ये साइड हो गई लेकिन अभी पॉलिश नहीं हुई, ये पॉलिश भी होनी है। ये लग गए भाई, इसको एयर प्रेस बोलते हैं, ये भी लग गए। और इसके जो रिम है ना, ये रिम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिम है, लेकिन ब्लैक कलर में ना तो अच्छे नहीं लग रहे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पूरे टायर उतार के ना इसको सिल्वर कलर करवा दूँ, मतलब सिल्वर, वो जो शाइनी सिल्वर होता है सिल्की, वो करवा दूँ तो ये और अच्छी हो जाएगी। बाकी गाड़ी चारों तरफ से बहुत साफ़ सुथरी है, कोई इसमें मतलब डेंट पेंट का कोई सिलसिला नहीं है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। मुझे हालांकि ये पसंद है गाड़ी, मतलब बॉडी वाइज इतनी अच्छी है, इंजन वाइज इतनी अच्छी है ना, बॉडी वाइज तो कमाल है भाई ये। और इसका इंजन तो भाई कमाल है, इंटीरियर मैंने आपको दिखाया है पहले भी, इंटीरियर बहुत अच्छा है। अभी तो उस्ताद पॉलिश वॉलिश कर रहा है, खैर ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटीरियर भी भाई ये देखो, ये इंटीरियर है, इस कलर में है। तो इसकी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, जब वो लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। इसके डैशबोर्ड भी थोड़ा सा मसला है, मतलब ये कोई बच्चा बच्चा बैठा है उसने नाखून वाखून मारे हैं। बाकी डैशबोर्ड ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसा है डैशबोर्ड, कैसा है, साफ़ सुथरा है, छत वत साफ़ सुथरी है, ये देखें साफ़ सुथरी गाड़ी है। और आगे से भी ऐसे ही, सिर्फ पीछे से नहीं, आगे से भी ऐसे ही है गाड़ी, देखें। और ये पॉलिश वॉलिश होगी तो भाई चमक जाएगी। ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, निशान नहीं है, ऊपर दरख्त है ना, तो उसकी लाइट की वजह से ये आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये देखें। बाकी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें लगा के आपको दिखा दूंगा। अभी उस्ताद मशीन उठा ली हाथ में, और ग्राइंडर मशीन है समझ लो ये, इसको ये बिल्कुल शाइनी कर देगी भाई, छत को भी। ये उस्ताद चढ़ गया, तो भाई काम A1 हो रहा है। तो भाई फाइनली रबिंग पॉलिश हो गई, और इसको पॉलिश का कपड़ा भी लग चुका है। अब मसला ये गाड़ी मज़ा क्यों नहीं कर रही, मज़ा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये अभी अधूरी है। नंबर प्लेट इसकी लगी हुई नहीं है, रिम इसके स्क्रूम हुए नहीं है, ऊपर से जो हमें चीज़ें अभी सदर से लेके आए प्लाजा से वो लगी नहीं है, और इस पे जो पॉलिश करता है मेरा बेटा, जो इसको पॉलिश करता है ना, दी एंड कर देगा। तो भाई अगर आपको इसका दूसरा ब्लॉग, फाइनल ब्लॉग देखना है तो वो मैं कल दूसरा ब्लॉग इसका दिखा दूंगा, फाइनल वाला। तो अभी अगर जल्दी से आप इस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या कुछ मुझे मशवरा देना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कर लो, और भाई के चैनल को लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी कर दो। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपके साथ होंगे, तब तक करते हैं अल्लाह हाफिज़।